यहाँ पे देखो पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या करे एग्जैक्टली, क्योंकि सारे गाड़ियां ना ऐसे बीच में लगाए हुए सब लोग ने, क्योंकि है ही नहीं पार्किंग। वहाँ पे पार्किंग लिखा हुआ था पर है ही नहीं वहाँ पे कोई गाड़ी की पार्किंग। यहाँ से जो झरना बह रहा है वो बेहतरीन लग रहा है और सब चीज़ यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही। देखो थैंक यू, शुक्रिया, और इन लोगों ने मदद कर दिया हमारी। अपने पाकिस्तानी भाईजान है, इनको हमने बुलाया, बोले कि भाई थोड़ा जाके टेस्ट करते। देखो आपने ये दही पूरी भी मंगाया, दही पूरी इसको इतनी पसंद आ गई ना, ये बोल रहा है बहुत अच्छी दही पूरी है, लिटरली सो नाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। उम्मीद करता आप लोग सब अच्छे से हो गए और आपकी ईद भी अच्छे से जा रही होगी। और मैं इस सीरीज को यूरोप वाली जो चल रही थी उसको थोड़ा सा मैंने स्टॉप कर दिया। मैं सोचा कि चलो ईद का एक व्लॉग डाल देते और आप लोगों का माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर देते, एज अ ब्रेक समझ लो इसको। इस वीडियो के बाद में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बाकी की सीरीज की और मजेदार वीडियोज आने वाली है। सो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले कि कलबा एक न्यू लोकेशन है जहां पर ना हैंगिंग गार्डन खुला हुआ है और फैमिलीज वगैरह के लिए खुला है। तो मैंने इसकी बहुत सारी इमेजेस देखी, बहुत सारे मैंने टिकटॉक भी देखा, रील्स देखा, तो मैं सोचा मेरे दोस्तों के साथ में क्यों ना ईद की जो हॉलीडेज है उसमें से एक दिन निकालकर हम वहां पर घूम कर आए और आप लोगों को कुछ कंटेंट बताए कि वहां पे क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं है। तो इसी वीडियो को हम यहां से शुरू करने वाले हैं। तो अभी मैं रेडी होने जा रहा हूं क्योंकि उठाऊं थोड़ा देर पहले, तो स्टार्ट करते हैं अभी यहां की वीडियो और मिलते हैं मेरे एक इंडोनेशियन फ्रेंड को जो बाली से है जिसका नाम टीजे, और मेरा एक पाकिस्तानी फ्रेंड है जो है तनवीर। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी हमने खाना मंगाया, देखो यहाँ पर है ये अपना मटन कढ़ाई स्पेशल, और ये है चिकन का कबाब, और ये खास है चिकन टिक्का के साथ में राइस, हाँ जरूर, और ये है सलाद और साथ में ये तो रायता ही है। खाने वालों की शक्लें वो भी आनी चाहिए, वो तो जरूर आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, साथ में हमारी तीनों की शक्ल आएगी। ये वाला खाना खाने के बाद स्किन शाइन करती है जैसे जरूर स्टार्ट। तो भाई हम फाइनली आ गए हैं कलबा के हैंगिंग गार्डन में, यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दिया, कचरा ये चाय का इसको इग्नोर करो, और यहाँ से स्टार्ट होता है देखो ये नज़ारा, आगे लेके जाके आपको बताता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे इतना पार्किंग का प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पार्किंग मिल ही नहीं रही थी, और ना 600 मीटर्स ऑलरेडी नज़दीक थे हम लोग यहाँ पे, लेकिन ना गाड़ी स्टक हो गई थी और आने ही नहीं मिल रहा था। तो अच्छा हो गया ये टीजे जाकर ना आगे देखा और उसके अंदर पार्किंग ढूंढ के लगाया, सब लोग ना साइड में लगा रहे, पार्किंग वार्किंग नहीं है लेकिन सब ने ऐसे साइड में लगाया हुआ। देखो यहाँ पर भी सब ने लगाया हुआ है, ये माउंटेन का जो ये वाली शॉर्ट सी रोड है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी सब लगाए हुए। तो ये देखो भाई ने अच्छा जॉब किया, इसको तो ऑस्कर देना चाहिए टीजे को। भाई बहुत लंबी ड्राइव हो गई थी यार आते आते, मतलब मेरे को तो लग रहा था कि यहाँ पे देखो पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या करे एग्जैक्टली, क्योंकि सारे गाड़ियां ना ऐसे बीच में लगाए हुए सब लोग ने, क्योंकि है ही नहीं पार्किंग। वहाँ पे पार्किंग लिखा हुआ था पर है ही नहीं वहाँ पे कोई गाड़ी की पार्किंग फिलहाल। तो देखो यहाँ से नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, ये देखो ये जो झरना दिख रहा है मस्त है ना, ब्यूटीफुल। और ना अंदर से जाके आपको सीन बताता हूँ कैसा, फिलहाल तो हमने गाड़ी अच्छा हो गया लगा दिए जैसा तैसे करके, और सब लोग ना सब फैमिली वाले बैठे हो अंदर, आपको जाके बताता हूँ। क्राउड तो बड़ा ज़बरदस्त है यार यहाँ पर देखो, ओह अच्छा जाने नहीं दे रहा लगता किसी को। अच्छा मतलब टिकट लेना तो यहाँ से भी ले सकते हो, जैसा ये 5 दिरहम में मिलती है इसकी एंट्रेंस की टिकट है। मुझे लग रहा था कि फ्री एक्सेस है बट दे हैव 5 दिरहम चार्जेस, ये आती फॉर ईच फॉर ईच, हर एक का 5 दिरहम चार्जेस है, तो कोई बात नहीं देते हैं, अब इतने दूर आए हैं ये सब नज़ारे देखने के लिए तो 5 दिरहम क्या आ जाता है, कुछ नहीं। यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो, दूसरे एंट्रेंस है 5 दिरहम में मिलती है, और यहाँ से सीधा एंट्री ले सकते हो। वहाँ पे दूसरा एंट्रेंस था, वहाँ पर आप 5 दिरहम का ऐसा एक आदमी बैठा हुआ वहाँ से भी ले सकते हो या यहाँ से भी ले सकते हो, वन एंड द सेम। इसको डेकोरेशन मस्त किया, देखो ये माउंटेन को ग्रीन कलर का ऐसा ना यहाँ लाइट लगाई हुई है तो उससे मस्त अट्रैक्टिव लग रहा है माउंटेन। तो भाई आ गए अंदर हम लोग 5 दिरहम दे करके ईच पर्सन का, और एक बात यहाँ पे एक बंदे ने बताया कि ना 5 दिरहम ना वो जो फर्स्ट टाइम आपको बताया ना वहाँ पर एंट्रेंस पे एक बंदा बैठा था वो ना कैश देकर ही आपको मिलेगी, और यहाँ पर आओगे ना जो अभी आपने जो देखा वीडियो में वो वाला ना सिर्फ कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो दो एंट्रेंस दिए हुए, कैश वाले वहाँ पर जा सकते हो लेकिन लंबी लाइन थी तो हम कार्ड वाले लेकर यहाँ पे आ गए, तो 2 मिनट भी नहीं लगा कार्ड से पे करके आने में। और आप नज़ारा देखो यहाँ से क्या व्यू है, और ये 5 दिरहम देना वर्थ है मेरे ख्याल से, क्या बोलते तनवीर भाई, जबरदस्त 5 दिरहम देना वर्थ है ना एकदम, बहुत जबरदस्त व्यू तो देख लो पहले एक बार फिर मजे करो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ से जाएंगे पूरा ऊपर पहाड़ के ऊपर, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे माउंटेन के ऊपर जाना हम लोग को ऐसे वॉक करते हुए। वैसे भी खाना तो दबा के खाया था ना तो थोड़ा निकालना भी तो है उसके बाद
वापस भी खाना ना, जाने में यू हैव टू ईट है, रिमेंबर। आई वांट टू हैव सम ड्रिंक्स। ड्रिंक्स विद ड्रिंक पेप्सी कोला सोडा सम अ व्हाइल अगो समवन वाज सेइंग दैट नो आई डोंट वांट टू ड्रिंक आई विल जस्ट स्टॉप मंडे ऑल पीपल दे आर सेइंग दैट मंडे ट्यूसडे व्हाट मंडे ट्यूसडे इफ यू वांट टू स्टॉप स्टॉप इट फ्रॉम नाउ फ्रॉम मंडे लेट्स सी देखते हैं मंडे से कब से बंद करता है मंडे यू आर चीट नो मंडे विल बी starting the healthy way. No. way so no. this is now healthy day yes the same here I will start from monday dekhte hai kitna monday se kaun kitna consistency rakhta hai na workout ke liye यहाँ पे एक ऐसा ना ट्रेन स्टेशन बनाया हुआ, तो बच्चे लोग की ट्रेन होती नहीं है वो यहाँ पे ना ऐसा एक वॉकिंग वाला बनाया हुआ है पाथ, यहाँ से ऐसे ट्रेन जाती है बच्चे लोग की। और ये भी एक बच्चा यहाँ पे वीडियो ले रहा है, देखो बच्चा वीडियो ले रहा है। ये आप देखो यहाँ से लेके पूरा ना यहाँ तक का पूरा के पूरा क्राउड है, और ईद की छुट्टी है ना तो इतनी फैमिली वगैरह सारे सिंगल सब बैठे हुए हैं, पूरी छुट्टियाँ मनाने आए हैं। अपनी हाइकिंग स्टार्ट होने वाली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग ऐसा वॉक करते हुए पूरा ना ऐसा ऊपर जाने वाले। आर यू रेडी? Ready. Let's go. अभी हमने यहाँ से स्टार्ट भी नहीं किया प्रॉपरली हाइकिंग करना, और आप देख सकते हैं हम इतने टायर्ड हो गए। ये बंदा टायर्ड है, ये टायर्ड है, मैं भी टायर्ड हूँ, हम लोग ऐसे टायर्ड हो गए। प्लस यहाँ से व्यू देखो, मतलब इतना खतरनाक क्राउड है, देखो ऐसा लग रहा है कि ना कोई स्काई व्यू से देख रहे हो, इतने मतलब पब्लिक भरी के भरी है, मतलब छुट्टी मनाने पता नहीं सब लोग यहीं पे आके बैठ गए। अब आ गए हम एकदम असली वाले व्यू में, देखो यहाँ से जो झरना बह रहा है वो बेहतरीन लग रहा है। चलो आगे से दिखाते हैं आपको। भाई हम आ गए नायगरा फॉल्स में यूएई के, तो देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन व्यू लग रहा है यहाँ से, अच्छा खासा पानी बह रहा है और ठंडी भी फील हो रही है यहाँ पर, हाथ लगा रहे तो ज़्यादा नहीं पर नॉर्मली लग रहा है। और ये रहा यहाँ से एक दूसरा नज़ारा जो नीचे का व्यू है, इसको ना ऐसा कलर दे रहा है यहाँ पे ना कहीं से तो लाइट्स आ रही है, हाँ वहाँ पर लाइट है, उससे ना अलग अलग कलर चेंज हो रहा है पानी का, तो वो थोड़ा बेहतरीन व्यू दे रहा है यहाँ से। अभी भी हम आ गए एकदम सबसे ऊपर वाले में स्टेयरकेस से चढ़ चढ़ के, और अब नज़ारा देखो कैसा दिख रहा है, एकदम फ्लाइट वाला व्यू। इस वाले व्यू को आप बोल सकते हो फ्लाइट वाला व्यू दिख रहा है, सब चीज़ यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही, देखो ये क्या खतरनाक स्टेयरकेस है यार, देखो मैं पिछले 10 मिनट से वॉक ही कर रहा हूँ नीचे उतरने के लिए, ये स्टेयरकेस खत्म ही नहीं हो रही है, फास्ट तो हम ऊपर चढ़ गए थे, नीचे उतरने के टाइम पे टाइम लग रहा है भाई। तो फाइनली हम नीचे उतर गए इतने टाइम के बाद वॉक करते गए थे, राइट? How was that? It was okay, good. It was nice. But you know, while climbing the staircase, I guess it didn't took much time, right? Not that much, yeah. But yeah, while coming down, it took us like almost 10 minutes only. Guess we stop all the time to take pictures, yeah. I guess. Not for me, just for you. यहाँ पे देखो एक रेस्टोरेंट भी दिया हुआ है, और बच्चे लोग के लिए ना यहाँ पे खेलने का कुछ ऐसा स्पॉट भी बनाया हुआ, तो यहाँ पे झूला वगैरह है, और यहाँ आप देख सकते हो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे अपने ले आना एंजॉय करना, और अच्छा माहौल लग रहा है देखो, तो यहाँ पे ऐसा फ्लावर वगैरह लगाया हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए, और देखते हैं क्या प्राइस है कुछ कॉफ़ी वगैरह का। ये रेस्टोरेंट बंद है फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ, कि बोलता 2 घंटे पहले से ही बंद हो गया, और मोस्टली यहाँ पे ना अरबी बैठे हुए हैं, थोड़े मतलब यहाँ पे लोकल्स वगैरह बैठे स्पेशल लोग बैठे हैं, सफेद कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं वही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जा सकता है आदमी, ऐसा कोई बात नहीं, क्यों नहीं जा सकते, पैसा है तो क्यों नहीं जा सकता आदमी, क्या 15 दिनों की कॉफ़ी तो पी सकता ना, मेरे पास संभालो भाई संभालो अपने आप को, देखो जाने नहीं दिया तो कैसे संभाले, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, जाएंगे जाएंगे अंदर जाएंगे। भाई बाथरूम जाना है तो लाइन देखो यहाँ पे कितनी बड़ी लगी हुई, यहाँ से लेडीज लोग की लाइन इतनी लंबी, और वहाँ पे जेंट्स की है, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन में कौन खड़ा रहेगा यार। यहाँ पे भी ना स्केटबोर्डिंग का बनाया हुआ है देख सकते हो, यहाँ पर बच्चे लोग के लिए है, वैसे ये तो छोटा सा एरिया है तो बच्चे लोग यहाँ पर जा सकते हो, तो बड़े लोग के लिए नहीं है इन शॉर्ट, और अच्छा एरिया है यहाँ पे, बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं और मज़े कर रहे हैं, तो इट लुक्स सो नाइस। अभी चलते हैं यहाँ से आगे जाके, वीडियो को थोड़ा अपन वाइंड अप भी करेंगे और इसके बारे में कुछ और भी बात करने वाले हैं। हम लोग इधर चाय मांग रहे थे, यहाँ पर इन लोग देने लग रहे हैं, बोलते ले लो भाई चाय का हुआ, तो सही है ना, अपना काम बन जाएगा। ऑल यार थैंक यू सो मच, This shop takes so long to open that one. थैंक यू शुक्रिया। ये एक्चुअली यहाँ पर जाना था तो लंबा हो जाता, बेटर है कि हम यहीं से ले लिए, और इन लोगों ने मदद कर दिया हमारी यार, थैंक यू शुक्रिया।
एक्चुअली ना तनवीर भाई ने पूछ लिया, बोला कि भाई यहाँ पे थोड़ा कावा दे दो हमको, तो एक कावा दे दिए फ्री वाला हमको। अच्छा है ना, यहाँ पे ले लिया, थोड़ा ड्रिंक करते हुए जाएंगे, क्योंकि गाड़ी चलाना लंबा और बिना पूछे तो मिलता भी नहीं था यार। अच्छा हो गया पूछ लिया यार कम से कम। ये देखो यार मस्त लग रहा है, इस शहर के देख रहे हो, यहाँ से जिग-जैग दिख रही ऊपर, मस्त लग रही है यार मतलब। और यहाँ पर ये ऊपर रेस्टोरेंट है, पर यहाँ से हम गए हुए थे तो अब चलते हैं यार। ये रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद था तो फ़ायदा ही नहीं है, तो हम इसके मज़े लेते हैं। टर्किश कॉफ़ी नहीं यार, अभी कॉफ़ी। तो गाइज अभी आ गया हूँ मैं करामा में, करामा में चाट बाज़ार में, थोड़ा ना स्नैक्स वैक्स खाने वाले अपने भाई लोग के साथ में, तो थोड़ा देखते हैं कैसा है। सीम्स टू बी यू आर सो टायर्ड राइट नाउ। ये वाला रेस्टोरेंट है, इसमें हमेशा आके खाता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ स्नैक्स वैक्स खाएंगे अपन। अच्छा क्राउड है यार, रात के 11:30 बज गए तो भी। पानी पूरी ओके, वन प्लेट टू प्लेट थ्री प्लेट और व्हाट थ्री ओके थ्री प्लेट हाँ तीन प्लेट मीडियम हाँ कौन सा पानी पूरी रगड़ा वाला हाँ मीडियम रखना मीडियम। अभी पानी पूरी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देख लो तो सबका रिएक्शन देखते कैसे कैसे पानी पूरी मिलती, तो बताना मुझे प्लीज रिएक्शन बताना। ये तो पाकिस्तानी भाई है, इनका पहली बार रिएक्शन देखते कैसा है खाने के बाद में। देखो भाई देखो, मजे लो भाई। ये ऐसी जगह जहाँ पे ना अच्छे से अच्छा ना कटोरा लेके खड़ा हो जाता, राइट। बेगर शॉप समझ लो। हाउ इज इट, हाउ इज इट, इट्स नाइस। ओह खतरनाक, हॉट एंड स्पाइसी, मेरे को मालूम है आप क्यों बोल रहे हो। चलो खाते एंजॉय करते, चीयर्स चीयर्स। मेरा आने तो दो बेस्ट चीयर्स करो, कोई बात नहीं ले लो वापस से चीयर्स कर लो। और अभी अपन ने ये छोला भटूरा मंगाया है चाट बाजार, अपने बंबई वाले का रेस्टोरेंट है, तो ये मैंने मंगाया, अभी हम लोग इसको खाने वाले, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और ये मैं कई बार खा चुका हूँ आके, तो मैं सोचा कि ना अपने पाकिस्तानी भाईजान है, इनको हमने बुलाया, बोले कि भाई थोड़ा जाके टेस्ट करते, तो खास इतने ट्रैफिक में हम इधर आए हुए और ये भाई को भी टेस्ट करा रहे हम लोग, तो जरा ट्राई करके देखो भाई कैसा लगा। व्हाट ओके नो प्रॉब्लम, सो लेट्स ट्राई, दिस इज मुंबई डिश स्पेशल डिश, डू नॉट से लाइक दिस ओके लेट्स स्टार्ट। यू हैव इट फर्स्ट, नो यू हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट लेडीज फर्स्ट ओके लेडीज गॉट अ बियर, वी डू हैव अ लेडीज बियर नो दैट्स व्हाई आई वांट, ऑल राइट सी स्टार्ट नाउ स्टार्टिंग सी हाउ इज हिज रिएक्शन लेट्स सी जरा खा के बताओ कैसा है, जरा पार्सल भी ले जाना घर में अपने। एक्सेलेंट, नॉट अ पेड बट एक्सेलेंट, हाँ सही है, वैसे हम लोग फ्री में प्रमोशन करते हैं, फ्री में नहीं खाते हम, पैसे पे करके खाते हैं, सही है। स्मॉल टिकटॉक, देखो अपने ये दही पूरी भी मंगाया, दही पूरी इसको इतनी पसंद आ गई ना, ये बोल रहा है बहुत अच्छी दही पूरी है, लिटरली सो नाइस। गाइस कैसा लगा, मजा आया खाना, हाउ वाज दैट, एकदम मुंबई स्ट्रीट मुंबई एकदम मजा आया ना, चाट बाजार याद रखना, मतलब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोल रहा, ये कोई पेड वेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बोला मैंने कि भाई अपना खाना है आके जरूर खाओ इधर, इसीलिए मैंने बोला कि अपन खाते हैं छोले भटूरे अंग्रेज आके बाजू में छोले भटूरे भाई ने लेकर जा रहे अपने घर में, एकदम ऐसा लग रहा है कोई ग्रोसरीज है ना, एकदम फोम प्लेट्स वगैरह लेके जा रहे हैं, पर ये अपने घर में लेके जाते, रिव्यू बताना भाभी जी कैसे लाहौर में खाए थे, और अभी यहां वाओ, तो एंड ही इज सो टायर्ड आई गेस, यू व्हाट इज योर रिव्यू है वो अगली वीडियो, अच्छा रिव्यू अगले वीडियो में, नो प्रॉब्लम ठीक है, बट दही पूरी इज नंबर 1, इट्स लाइक अमेजिंग, रियली यू लाइक दही पूरी, लव लव एंड पानी पूरी आल्सो, पानी पूरी एंड दही पूरी आई दैट्स माय फेवरेट टू बी ऑनेस्ट, व्हेनेवर आई ट्रैवल टू इंडिया आई ऑलवेज ईट पानी पूरी दही पूरी एज मच एज आई कैन, बिकॉज आई आल्सो चीपर है, सस्ता मिलता है। तो अभी मुद्दे की बात करते हैं, अभी जो कल्बा गार्डन हम लोग गए थे ना, उसमें का रिव्यू मैं आपको दूंगा कि अच्छा था वो, मतलब जा सकते हो यार, मतलब 130 किलोमीटर्स कुछ है, सिमिलरली लाइक आप जाते हो आबू धाबी जाते हो ना वैसे ही डिस्टेंस है, तो आप गाड़ी से जा सकते हो, वहाँ पे पार्किंग वगैरह बीच में भी कोई कोई लगाए हुए थे, तो इतना कोई इशू नहीं था। लेकिन हाँ एक और चीज़ आपको बोलूँगा कि अगर ना आप वहाँ पर जा रहे हो ना, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, जैसे वहाँ पर ना फर्स्ट थिंग वहाँ पर डिसएडवांटेज आपको बताऊँगा कि वहाँ पर ना प्रेयर रूम नहीं है, सेकेंड थिंग वहाँ पर ना बाथरूम इतना क्लीन नहीं है, तो आपको ना
ना वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है बाथरूम की, हाँ ठीक है, क्लीन नहीं है और वहाँ पर टिश्यू वगैरह भी नहीं है, हालांकि एटलीस्ट हैंड ड्रायर तो रखना चाहिए था। और उसके बाद में वहाँ पर स्नैक्स वगैरह के लिए ना आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, तब अपना खाना लेके जाओ और वहाँ पर जाके ना अपना पार्टी वार्टी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे मैंने पाकिस्तानी अरेबिक फैमिली इंडियंस देखा जो ना वहाँ पर बैठ के ना मस्त अपना मतलब खाना लेकर चटाई उटाई बिछा के बैठे थे, तो मस्त लग रहा था यार, तो मज़ा आ गया वैसा देखकर। अगर फैमिली वाले हो तो वहाँ पर जा सकते हो, मज़े कर सकते हो, सिंगल विंगल ऐसे दोस्त यार जा रहे हो ना तो वहाँ पर वैसे भी मज़े कर सकते हो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो हो सकता है इनको अपग्रेड करना चाहिए थोड़ा सर्विस में, तो वैसे न्यू ओपन है तो हो सकता है टाइम लगेगा। तो यही आपको बताना था कि अगर आप जाना चाहते हो तो मज़े कर सकते हो वहाँ पर, दूर है तो, लेकिन अच्छी बारिश भी गिरी थी तो हमने बहुत मज़े कर लिया। तो यही बताने का था यार वीडियो के अंदर आपको कि कैसा जा सकते हो वहाँ पर और क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो और हमारा कैसा दिन बीता। तो ये तीन लोगों के साथ में थोड़ा हम लोग मंकी लोग थे, तीन गांधी जी के बंदर, हम दो और ये तीन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल बी बैक अगेन विद मोर वीडियोस लाइक दिस। फॉर द टाइमिंग बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, ऐसे सपोर्ट करते रहना। और हाँ यार, अपना फ्लो है ना ये क्लोज करने वाला, आउट्रो है ये। तो इसके लिए चलो मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ओके, आई लव यू, सी यू, बाय बाय।